रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यूज में कंप्लीट टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को बेटे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और एक बेटे होते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स बेटे क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में या फिर बेटा जी ब्रांचेस में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटे, ये एन ब्यूटेन है। इसी तरह बेटे ये बेटे क्या है, आइसो पेंटेन है। क्लियर है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम्स स्ट्रेट लाइंस में या ब्रांचेस में ज्वाइन होते हैं, आप बेटे उन्हें क्या कहते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स बेटे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड कब होंगे, जब कार्बन एटम्स के दरमियान सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल होंगे। और अनसैचुरेटेड बेटे कब होंगे, जब कार्बन एटम्स के दरमियान बेटे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बेटे क्या बन गए, अनसैचुरेटेड। ये क्या है बेटे, टू ब्यूटीन। तो ये भी क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स बेटे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन होकर रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें बेटे आप क्या कहते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक बेटा जिनमें क्या होता है कि रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स ही होते हैं। जैसा कि ये देखें, ये तीन कार्बन एटम्स को आप जोड़ दें, हर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लें, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, तो तीन कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो आप इसे क्या कहेंगे, साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, तो बेटे ऐसा रिंग जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम हो उसे आप होमोसाइक्लिक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल की शक्ल में। ये भी बेटे सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ये बेटे क्या है, साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, चार कार्बन वाला रिंग जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, साइक्लोब्यूटीन। ओके हो गया। इसी तरह बेटे होमोसाइक्लिक के अलावा हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने एमसीक्यू की तरफ आते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो जो साइक्लो वाले हैं ये तो बेटे क्लोज चेन है, जबकि आइसोब्यूटाइलीन बेटा क्या है, ये एक क्लोज्ड चेन, सॉरी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, ये आइसोब्यूटाइलीन है। आइसोब्यूटाइलीन का बेटे आईयूपैक नेम क्या होगा, इसकी नंबरिंग कर लें, 1, 2, 3, तो 2-मिथाइल, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, 2-मिथाइल 2-प्रोपीन या सिंपल प्रोपीन भी आप लिख सकते हैं। बात की समझ लगी बेटे। तो ये इसका क्या होगा, आईयूपैक नेम, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसोब्यूटाइलीन। तो इसका करेक्ट आंसर फिर बेटे क्या बना, अल्फा ऑप्शन। ठीक है, अल्फा ऑप्शन क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेटे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाए। इस रिंग को बेटा जी आप क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग कहते हैं। ठीक है, जिस कंपाउंड के अंदर आपको ये रिंग नजर आएगा वो बेटे क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन टोलीन है, तो टोलीन में बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, मिथाइल, तो ये एरोमेटिक है। नेफ्थालीन की अगर बात करें तो नेफ्थालीन बेटा जी ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो बेंजीन रिंग आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन जो हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं। और बेटा फिनोल में क्या है कि बेंजीन के ऊपर क्या बेटे,
ओ एच ग्रुप अटैच होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अल्फा, बीटा और डेल्टा ये तीनों ही ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग है, जबकि चार्ली जो है इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपल सैचुरेटेड कार्बन या कार्बन आपस में ज्वाइन होकर क्या है बेटा, रिंग बनाया हुआ है। अब बेटे याद रखना है आपने कि अगर रिंग के अंदर इस तरह रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड आ जाए, इस तरह बेटा जी छह कार्बन वाले रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये वाले कंपाउंड्स भी एरोमेटिक नहीं होंगे। एरोमेटिक होने के लिए क्या है कि बेंजीन के अंदर इस तरह रिंग हो, या फिर बेटे बेंजीन के अंदर क्या हो, इस तरह अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड हो। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये वाला रिंग पाया जाएगा वो एरोमेटिक होंगे, लेकिन जिनके रिंग के अंदर छह कार्बन वाले रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड हो या दो डबल बॉन्ड हो वो एरोमेटिक नहीं होंगे। बात की समझ लगी? या सपोज कर लेते हैं कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है बेटा जी, तीन से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं, इस तरह चार डबल बॉन्ड हो गए हैं, तो ये भी बेटे एरोमेटिक कंसीडर नहीं होगा। एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या है बेटे, ये वाला रिंग, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाया जाए वो बेटे एरोमेटिक होंगे। और एरोमेटिक बेंजीन रिंग के अंदर क्या होते हैं, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, कितने, तीन बॉन्ड होते हैं। लिहाजा यहाँ पे बेटे बेस्ट आंसर फिर क्या होगा, चार्ली। चार्ली यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच पेयर हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन एनहेक्सेन है, साइक्लोब्यूटेन और आइसोब्यूटीन है, इसी तरह प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन है, एन पेंटेन और साइक्लोपेंटेन है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि जो साइक्लोअल्केन्स हैं, साइक्लोअल्केन्स और बेटे जो अल्कीन्स हैं, ठीक है, साइक्लोअल्केन्स और अल्कीन्स, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटे क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या है, बेटा ऑप्शन है। साइक्लोब्यूटेन का फार्मूला बेटे क्या होता है, CH2, 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 ये चार कार्बन इस तरह रिंग में अरेंज हैं। जबकि आइसोब्यूटीन का बेटे फार्मूला क्या है, CH3, ये C आ गया, CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो अब अगर बेटे देखें तो दोनों कंपाउंड्स के अंदर कितने कार्बन है बेटे, चार कार्बन है, और दोनों कंपाउंड्स के अंदर कितने बेटे हाइड्रोजन है, आठ हाइड्रोजन है, दो दो चार, दो छः, दो आठ। यहाँ पर देखें एक दो तीन चार कार्बन, तीन और तीन छः और दो आठ हाइड्रोजन। तो याद रखना है बेटे आपने कि साइक्लोअल्केन्स और अल्कीन्स, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इसके अलावा बेटे इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2, ये भी बेटे क्या होता है, सेम होता है। दो चीज़ें याद रखना है कि जो साइक्लोअल्केन्स हैं और अल्कीन्स, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है बेटे, सेम होता है, याद रहेगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन इज नॉट होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो मैंने बेटे आपको बताया था कि होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें रिंग जो है वो सिर्फ बेटे किस पे कंटेन करे, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें क्या है बेटे, सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है और रिंग स्ट्रक्चर है, लिहाजा ये बेटे क्या है, ये होमोसाइक्लिक है। इसी तरह जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये भी होमोसाइक्लिक हैं, लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या है बेटा कि इनमें बेंजीन रिंग पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखें छः कार्बन एटम है, तो छः कार्बन एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं बेटे, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। हर कार्बन के ऊपर बेटे क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होगी। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, ये भी क्या है बेटे, ये भी होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें बेटे क्या है कि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा क्या आ रहा है बेटे, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा यहाँ पर जो है वो
एटम आ रहा है, सही हो गया, ऑक्सीजन एटम। तो ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसके रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए उन्हें आप क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो एटम होगा कार्बन के अलावा आप इसे बेटे क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम बोलेंगे, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या बेटे, फ्यूरॉन। लिहाजा ये होमोसाइक्लिक नहीं है, ये कौन सा कंपाउंड है बेटे, ये हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। बात की समझ लगी। इसी तरह ये जो है साइक्लोब्यूटीन, चार कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन है और एक डबल बॉन्ड भी है, तो कार्बन की वैलेंसी को बेटे पूरा कर लें, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये बेटे क्या है, ये भी होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक यानी कि ऐसे क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स जिनमें रिंग के अंदर बेटे क्या हो, सिर्फ कार्बन एटम्स हो, वो होमोसाइक्लिक है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम आ जाए तो वो फिर बेटे क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा। और याद रखना है वो जो एटम है वो रिंग के अंदर होना चाहिए। बात की समझ लगी। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा पूछता है कि सर क्या ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी NH2, ठीक है, क्या ये कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक है, तो बेटे आप इसको होमोसाइक्लिक ही कंसीडर करेंगे, ये सिर्फ सब्सिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिंग के अंदर तो बेटा सिर्फ क्या है, कार्बन एटम ही है। बात की समझ लगी ना बेटे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फिनोल, तो फिनोल भी बेटा जी क्या होगा, होमोसाइक्लिक ही होगा। हेट्रोसाइक्लिक होने के लिए कंडीशन क्या है, कि रिंग के अंदर कोई कार्बन के अलावा एटम आए, याद रहेगा बेटे ये पॉइंट जी। तो बेटे इसका बेस्ट आंसर फिर क्या होगा, बेटा इसका बेस्ट आंसर होगा, क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच पेयर हैज सेम हेट्रो एटम। तो यहां पे आपको बेटे हेट्रो जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। सबसे पहले बेटे फ्यूरॉन है, तो फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है कि चार कार्बन वाले रिंग के अंदर ऑक्सीजन एटम आ गया। इसी तरह अगर बेटा जी हम पायरोल की बात करें, तो पायरोल में इस चार कार्बन वाले रिंग में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ गया। इसी तरह बेटा जी पिरीडीन की अगर हम बात करें, तो पिरीडीन में पाँच कार्बन वाले रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन एटम आ गया। एनिलीन की बात करें, तो बेंजीन के ऊपर अगर बेटा जी क्या लग जाए, NH2 लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये एनिलीन हो गया। इसी तरह बेटा जी अगर हम बात करें थायोफीन की, तो चार कार्बन वाले रिंग में सल्फर एटम है, ये बेटे क्या है, ये थायोफीन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे फ्यूरोन और पायरोल, फ्यूरोन और ये पायरोल है, यहाँ पर हेट्रो एटम ऑक्सीजन और यहाँ पे बेटे क्या है, नाइट्रोजन है, लिहाजा ये पेयर नहीं बनता। इसी तरह पिरीडीन और एनिलीन, पिरीडीन में हेट्रो एटम बेटे नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे तो हेट्रो एटम है ही नहीं। एनिलीन जो है ये एक होमोसाइक्लिक जो है वो कंपाउंड है, ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हेट्रो एटम है वो रिंग के अंदर होना चाहिए, क्लियर है, लिहाजा इसके अंदर कोई भी हेट्रो एटम नहीं है। इसी तरह बेटे पिरीडीन और पायरोल, पिरीडीन में हेट्रो एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, और पायरोल के अंदर भी बेटे कौन सा है, नाइट्रोजन, लिहाजा इसका बेस्ट आंसर फिर क्या है, बीटा। डेल्टा बेटे थायोफीन और फ्यूरॉन, थायोफीन में बेटे क्या है, सल्फर, और फ्यूरॉन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, ओके हो गया। अब बेटे याद रखना है आपने कि थायोफीन के अंदर ये सल्फर जो है ये बेटे क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी बेटे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी क्या है बेटे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। इन सारे कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन है वो भी बेटे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। FSC लेवल पर हम इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कंसीडर नहीं करते, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की FSC लेवल पर जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाया जाए वो एरोमेटिक है,
ठीक है, लेकिन ये भी कंपाउंड्स एरोमेटिक है और इनकी एरोमेटिसिटी डिस्कस करने के लिए या डील करने के लिए हमें बीएससी के होकल रोल को स्टडी करना पड़ता है। तो ये बीएससी का टॉपिक आ जाता है, लिहाजा एफएससी लेवल पर बेटे आप इन कंपाउंड्स को क्या कंसीडर करेंगे, आप इनको नॉन एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स?